दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो नीचे दिया गया है उसे दबाएं। दोस्तों, आज आप सीखेंगे कि हम जोलर मशीन में ड्रिल को कैसे प्रीसेट करते हैं या ड्रिल को कैसे मेज़र करते हैं। आप देख सकते हैं, यह हमारा कोण ड्रिल है। इसे हम कोन इसलिए कह बोलते हैं क्योंकि इसकी ऊपर वाली इंसर्ट कोन की तरह है। आप देख सकते हैं, राइट साइड में ये स्क्रीन आई है जिसमें जेड और एक्स की वैल्यू दी गई हैं। जेड का मतलब होता है कि टूल की हाइट और एक्स का मतलब होता है टूल का डायामीटर। आप देखें कि मैं टूल को सेट कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड पे। जो ये आपको लाल लेज़र दिखाई दे है दे रही है, ये लेज़र लाइट के थ्रू हम टूल के आगे लाते हैं, टूल पे फोकस करते हैं और स्क्रीन पर देखने के बाद हम इसको इस प्रकार सेट करते हैं जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हम इस सेंटर लाइन के सेंटर इस लाइन पर हम टूल की सेंटर टिप रखते हैं ड्रिल के। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इस बोरिंग बार की जगह ड्रिल टूल जो हमारे पास जिसका हम मेज़रमेंट जिस टूल का हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, हम उस टूल का नाम और उस टूल का साइज़ लिखेंगे। देखें कि हम किस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपने बैक स्पेस कीबोर्ड में बैक स्पेस दबाना है और पुराना नाम मिटाकर नया नाम नाम टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है ड्रिल और अब हमने उसका साइज़ नोट किया है 19.1 mm। आप देखें, 19.1 mm इस ड्रिल का डायामीटर है। और अब मैं यहाँ पर आपको टच स्क्रीन के थ्रू दिखा रहा हूँ। आप इसको कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेंथ वगैरह, लेंथ, रेडियस, एंगल दी जाते हैं। ये हमारा कटर शेप है और इसमें हम कटर शेप यहाँ से भी ले सकते हैं। देखें हमें किस प्रकार ले रहा हूँ, आप भी उस प्रकार ले सकते हैं। और आप देखें कि यहाँ पर 5 कटर शेप मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर ये कोन बना हुआ है और इसी प्रकार मेरा ड्रिल है जो मुझे मेज़र करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 सेलेक्ट किया है। और मेज़रिंग मोड मैं यहाँ पर मेज़रिंग NC मोड नोट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेज़रिंग मोड है, बट मुझे मेज़रिंग NC वाला मोड लेना है। टॉप का जो टॉप में मेज़रिंग NC मोड है हम उसको लेंगे। अब आप देखें कि ये सिर्फ़ एक टिप है, हमें सिर्फ़ इसकी हाइट चाहिए और ये एक टिप है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका कटर ऑन काउंटर यहाँ पर एक रखेंगे और फोकस हम यहाँ पर ऑटो एक्सटर्नल रखते हैं। हम यहाँ पर ऑटो एक्सटर्नल रखेंगे, हर टूल के लिए हम ऑटो एक्सटर्नल रखते हैं। आप देखें कि मेज़रिंग रेंज आप यहाँ पर 3.6 रखेंगे और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को प्लेबैक या हम प्रेस करते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पर ड्रिल के लिए 0 नोट करते हैं। और 0 नोट करने के बाद हम एक्स पर दोबारा क्लिक नहीं करेंगे। अब आपने देखा कि हमने ये इस पे दोबारा क्लिक किया तो वो 0 वैल्यू मिट जाती है, इसलिए जब हम कोई वैल्यू टाइप करते हैं तो वहाँ पर दोबारा क्लिक ना करके ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं ताकि नीचे वाला 0 में रहे। इसलिए ओनली ऊपर वाले में क्लिक करने के बाद ड्रिल के लिए इस प्रकार किया जाता है। पहले 0 एंटर किया एक्स में और जेड में क्लिक करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं साफ़ कर रहा हूँ टूल की टिप, ताकि हमारे को कोई डर्ट अगर उस टूल की टिप में लगा हो तो हम साफ़ कर सकें और एक्यूरेट मेज़रमेंट आ सके। अब आप देखें, ये F5 है और F5 दबाने के बाद ये मेज़रिंग मोड है और ऑटो फोकस हो रहा है।
ये अपने आप ऑटो फोकस हुआ, और आप देखें कि ये इसने हमारे टूल की टिप को मेज़र कर लिया है। ये ऊपर वाली रेड लाइन हाइट नोट करती है, और ये हमारे दो एंगल हैं 20 डिग्री 26 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। आप देखें 20 डिग्री 26 मिनट एंड 24 सेकेंड्स है इस लाइन। ये एंगल इस ऊपर वाले सीधी लाइन से अगर हम देखें तो ये एंगल दिखा रहा है इस टेपर साइड का, ऊपर वाली लाइन के साथ क्या एंगल बनाता है ये लिखा हुआ है। आप देखें ये हमारी इस लाइन के साथ, ये इस लाइन के साथ ये टेपर वाला कितने डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर। आप देखें ये 20 डिग्री 26 मिनट एंड 24 सेकेंड दिखा रहा है। जैसे कि आप इस ब्लू पॉइंट को देख रहे हैं वो नीचे की तरफ है ऊपर वाली लाइन से, वैसी आप ये भी देखें कि ये नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन की तरफ नोट कर रहा है ब्लू पॉइंट। इसलिए आप देखें कि इसमें अपोजिट साइड का रूल लगेगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंगल्स। उसी तरह से हम देखें कि ये ब्लू लाइन और इस टेपर रेड लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो ये यहाँ पर दिया गया है 16 डिग्री 47 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। तो इस प्रकार हम इस टेपर का ऊपर वाली रेड लाइन के साथ एंगल दिखा रहा है, और आपने देखा ये लाइन हाइट दे रहा है और ये इसके साथ एंगल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा यहाँ पर जेड की वैल्यू मीन्स ये इसकी हाइट दे रहा है टूल की, और ये आप देखें कि ये हमारा हाइट है टूल की 175.275, और ये इसको हम नोट नहीं करेंगे, ये हमारी पहले की वैल्यू थी। हम सिर्फ इसको नोट करते हैं ना कि ऊपर वाले को, हमें सिर्फ ये हमारी फाइनल वैल्यू है जो कि ये मेज़र हुआ है। हमें इस ब्लैक स्क्रीन को देखना है जो कि हमारी F5 के बाद आई है, इस प्रकार हम के बाद की फाइनल वैल्यू है। अब आप देखेंगे हम इस को ये हमारे पास कीबोर्ड में कंट्रोल लिखा हुआ है, इस कंट्रोल के बटन को दबाकर, इस कंट्रोल को बटन दबाकर इस ई के बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे को वो जो ब्लैक स्क्रीन में जो हाइट और डायमीटर की वैल्यू दी गई थी वो इस नीचे दिए गए प्रिंटर से निकल आती है। और हम देखें जैसे कंट्रोल प्लस ई एक साथ दबाया तो नीचे वाले प्रिंटर से एक पर्ची निकल आई जिस पर हाइट और डायमीटर लिखा हुआ है, और इसको हम ऑपरेटर को देते हैं जो कि ये डाटा वहाँ पर मशीन में फीड। इस प्रकार हम कोन ड्रिल की को मेज़र करते हैं, और इसके एक टिप को हम एक्स को 0 पुट करते हैं। इस प्रकार हम कोन ड्रिल को प्रीसेट करते हैं 0।